स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं मेटामॉर्फोसिस के बारे में। तो क्या है मेटामॉर्फोसिस, तो इसके बारे में हम पहले बताएंगे। देखिए, डेफिनेशन हम बाद में बताएंगे, लेकिन आपको इसके बारे में डिटेल में थोड़ा आपको मेटामॉर्फोसिस के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, ये बात हमको सबको पता है कि जो कुछ एनिमल्स हैं, जो ओविपेरस है, वो एग को हैच करके बाहर आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? देखिए, चिक जो है, राइट, चिक वो बाहर आते हैं। चिक्स जो होते हैं वो एग को ब्रेक करके, हैच करके बाहर आते हैं, राइट। फ्रॉग भी ऐसे ही करते हैं, और बटरफ्लाई भी ऐसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, या ऐसा लगता है, प्रॉब्लम क्या, ऐसा लगता है कि जो एग को हैच करके बाहर आया, ठीक है, वो ऐसा नहीं है जैसे उसका एडल्ट होता है। ओके, आइए समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक एग है। कौन सा एग है? ये हैन का एग है। तो मान लीजिए हैन ऐसी होती है, राइट। तो ये है हैन। तो जैसे चिक आता है निकल के, इसको हैच करके सडनली चिक आया, तो जो चिक आता है वो भी लगभग ऐसा ही लगता है जैसे हैन होती है, बस साइज में छोटा होता है, लेकिन दे लुक सिमिलर। मतलब एडल्ट और इसका जो यंग वन होगा, दोनों सेम लगेंगे, दोनों देखने में सेम लगेंगे, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। देखिए, मान लीजिए अगर फ्रॉग की बात करते हैं, तो जो फ्रॉग है, ये एग्स ऑफ फ्रॉग हैं। तो जब एग्स फर्टिलाइज होते हैं, उसके बाद जब उसमें से हैच करके एनिमल बाहर आता है, तो वो बनता है टैडपोल। देखिए, टैडपोल, ये है टैडपोल, लेकिन ये देखिए एडल्ट फ्रॉग की तरह बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, टैडपोल फ्रॉग की तरह नहीं लगता, राइट। फिर क्या होता है, टैडपोल मेच्योर होता है, इसको लार्वा बोलते हैं हम, उसके बाद ये बड़ा होके कुछ इस तरह का लगता है, ठीक है, जिसको फ्रॉगलेट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रॉगलेट। तो ये बड़ा होके फ्रॉगलेट बन जाता है, और फिर फ्रॉगलेट चेंज होकर फ्रॉग में बनता है। तो देखिए, प्रोसीजर देखिए आप, इसका प्रोसीजर देखिए। ये एग है, एग से टैडपोल बना, फिर थोड़ा और मेच्योर हुआ, उसके बाद वो फ्रॉगलेट बना, फ्रॉगलेट के बाद वो फ्रॉग बना। तो देखिए, कंपेयर करें तो जो हैच करके बाहर आया हुआ एनिमल है, और जो उसका एडल्ट एनिमल है, इन दोनों में देखिए आप सिमिलरिटी नहीं है, ये अलग लगते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें बटरफ्लाई की केस में, देखिए बटरफ्लाई के एग्स हैं, इसमें से जब बाहर निकला तो कैटरपिलर या लार्वा बोलते हैं इसको, ठीक है, ये कैटरपिलर या लार्वा है। उसके बाद ये ग्रो होता है और डेवलप होके मेच्योर होकर थोड़ा और ये बनता है प्यूपा, जिसको हम बोलते हैं कैरसेल्स। क्या बोलते हैं? कैरसेल्स। तो हम इसको दिख नहीं रहा है साफ, इसको हम बोलते हैं कैरिसल्स। तो कैरिसल्स बनता है, और उसके बाद ये एडल्ट हो जाती है और बनती है बटरफ्लाई। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमेच्योर, इमेच्योर मतलब बिल्कुल नया नया, जैसे ये इमेच्योर है, ये भी इमेच्योर है, राइट। तो इमेच्योर फॉर्म ऑफ एनिमल लाइक लार्वा टू इट्स एडल्ट फॉर्म इन टू और मोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। देखिए, ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्म होने का, ट्रांसफॉर्मेशन होने का, कि इमेच्योर से फिर वो लार्वा बना, लार्वा से एडल्ट बना, तो इसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट स्टेजेस को, इनको बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो ये था मेटामॉर्फोसिस के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में।